नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में, जी हाँ, जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद, आदित्य चोपड़ा, श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर। अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, कौन कौन से लीड रोल हैं, कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है, इसकी कमाई कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म से द्वारा निर्मित फिल्म वाई आर एस इस फाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है। इसमें वाणी कपूर, आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ, एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में, जी हाँ, जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद, आदित्य चोपड़ा, श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर। अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, कौन कौन से लीड रोल हैं, कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है, इसकी कमाई कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में, जी हाँ, जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा, श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर। अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में, जी हाँ, जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा, श्रीधर राघवन और अब्बास
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर। नमस्ते दोस्तों,
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा, श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर। अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, कौन कौन से लीड रोल हैं, कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है, इसकी कमाई कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म से द्वारा निर्मित फिल्म वाई आर एस इस वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है। इसमें वाणी कपूर, आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ, एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है, अपने पूर्व गुरु कबीर धालीवाल यानी रोशन, ऋतिक रोशन जो हैं, उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है, जो दुष्ट हो गया है। जी हाँ, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी। इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है। इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा। कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी। बजट 170 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 475 करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। तो दोस्तों, धन्यवाद।